राहुल गांधी आज प्रदेश के दौरे पर रहे। राहुल गांधी ने सबसे पहले बेणेश्वर धाम मंदिर में दर्शन किए और बेणेश्वर महंत अच्युतानंदन महाराज से आशीर्वाद लिया। इसके बाद बेणेश्वर धाम में जनसभा को संबोधित किया और जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस पार्टी जनता को न्याय देना चाहती है, लेकिन 5 साल तक भाजपा ने जनता का नुकसान किया। मोदी जी ने सबसे वादा किया 15 लाख रुपए देने का, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का और 15-20 अमीर लोग सरकार चला रहे हैं, ये भी आरोप लगाया कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने। और साथ ही ये भी कहा कि कर्जा माफ करने की बात कही थी और कांग्रेस गरीबों को हर माह सरकार बनने पर 6,000 रुपए देगी। 2019 के बाद सरकार आपकी होगी, यानी कि कांग्रेस सरकार होगी, ये कहना था कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी का जनता को संबोधित करते हुए। राहुल गांधी का आज प्रदेश का दौरा है और सबसे पहले राहुल गांधी बेणेश्वर धाम पहुंचे और बेणेश्वर महंत अच्युतानंदन महाराज का आशीर्वाद लिया और जीत की मन्नत मांगी। इसके बाद बेणेश्वर धाम में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी पर, मोदी सरकार पर जमकर बरसे और कहा 5 साल में भाजपा ने जनता का नुकसान किया। मोदी जी ने सबसे वादा किया था 15 लाख रुपए देने का, बेरोजगारों को 2 करोड़ रोजगार देने का, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया मोदी सरकार पे कि 15-20 अमीर लोग ही सरकार चला रहे हैं। और साथ ही बता दें कि बेणेश्वर धाम में कांग्रेस की जनसभा है और सीएम अशोक गहलोत वहां मौजूद है। सीएम ने कहा कि राहुल गांधी नई सरकार बनाएंगे, जनता की सरकार बनाएंगे। कांग्रेस न्याय योजना लेके आई, नरेगा में अब 150 दिन लोगों को रोजगार मिल सकेगा। बेणेश्वर धाम में सीएम अशोक गहलोत ने भी जनसभा को संबोधित किया और साथ ही भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव आते ही भाजपा को राम मंदिर याद आता है। यानी साफ तौर पर जनसभाओं के माध्यम से सीएम अशोक गहलोत और साथ ही कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी मोदी सरकार पर हमला बोल रहे हैं। और सीएम अशोक गहलोत बेणेश्वर धाम में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा चुनाव के समय राम मंदिर को याद करती है और साथ ही ये भी कहा कि कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी मोदी जी की तरह मन की बात थोपते नहीं है और नरेगा योजना पर भी लोगों को एक बड़ी सौगात देने की यहां मुख्यमंत्री ने बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा अब नरेगा योजना 100 दिन की नहीं बल्कि 150 दिन की होगी और साथ ही ये भी कि मूलभूत सुविधाओं की हम जनता को कमी नहीं आने देंगे। यानी कि बिजली पानी की व्यवस्था 2019 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद जनता के लिए की जाएगी।